मेरा घर किसान का घर भाजपा मुक्त घर जी कृषि कानून के विरोध में अब जनपद संबल के अंदर किसानों में भाजपा का विरोध करना शुरू कर दिया है। किसानों ने अपने घरों के बाहर भाजपा मुक्त के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। आपको बताते चलें, जनपद संबल के ग्राम सिंहपुर सानी, बदरोला, महरोना, बड़ा ताजुद्दीन, हिसामपुर, लखौरी, जलालपुर में किसानों का भाजपा सरकार के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि भाजपा सरकार अब हमारे घर से वोट नहीं जाएगा, इसी के लिए हमने अपने घरों के बाहर पोस्टर चस्पा किए हैं। किसानों का कहना है कि इन सरकार ने कृषि कानून को जबरदस्ती लागू किया। किसान महीनों से यूपी बॉर्डर पर विरोध कर जता रहा है, पर मौजूदा सरकार किसानों की नहीं सुन रही। इसी के लिए किसान अब भाजपा को वोट नहीं देंगे। अब हम अपने घरों को भाजपा मुक्त कर रहे हैं। इसी तरह से पोस्टर गांव में पहुंचने पर घरों के बाहर जगह जगह चस्पा मिले। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर और दूसरे सभी बॉर्डरों पर कर रहे हैं, सभी प्रदेशों के किसान। तो वहाँ सरकार अभी भी दबाव में नहीं आ रही। सरकार सोच रही है कि थोड़े से किसान, मुट्ठी भर किसान वहाँ गाजीपुर में, लेकिन ये गांव-गांव किसान आंदोलन चल रहा अब। और किसानों ने, गांव के सभी किसानों ने ये ठाना अब कि जो है मेरा घर किसान का घर भाजपा मुक्त घर का जो अभियान चल रहा है, कि हम भाजपा को वोट क्यों दें। हमने वोट दिया 2014 में भी दिया, 17 में भी दिया और 2019 में भी दिया। इसलिए दिया कि हमारे किसानों के बारे में कुछ नीतियाँ रीतियाँ बनाए, कानून बनाए। लेकिन ये सरकार सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है, जुमलेबाज ही बैठे हैं इसमें। और किसानों के लिए 3 काले कानून बनाकर इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो किसान खुशहाल हो। तो अब किसानों ने ठान लिया है भाजपा को भगाना है और भाजपा मुक्त भारत को बनाना है। जी, क्या नाम है आपका? निक्सम चौधरी। ये मेरा घर किसान का घर भाजपा मुक्त के स्टिकर आपने अपने घर पर लगाया, किस लिए लगाया है? ये हमारी भावना है कि बीजेपी ने जो किसानों का गला दबाया है और आज भी लगातार गला दबाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग, हमारे भाई हैं जोगिंदर सिंह, जो किसानों को उनके कर्तव्यों के अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, पुलिस आके घेर रही है, ऐसे साहब धमकी दे रहे हैं, क्या गुनाह है ये करना? जैसा रवि के साथ क्या हुआ, दिल्ली पुलिस नहीं उन पर दोष साबित कर पाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं, क्या हमारे खिलाफ पुलिस के पास कुछ है? ऐसे ही हाथरस कांड में कितने इन लोगों ने शोर मचाया। ऐसा है, भगत सिंह ने कहा था कि आप मेरा गला काट सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को दबा नहीं सकते। ये जो सरकार का रवैया है हमें दबाना, इस तरह तो ज्वालामुखी होकर हमारी भावनाएं फूटेंगी और सरकार से सिमलेगा नहीं। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। ये आपने अपने शरीर पर स्टिकर लगा रखा, क्यों लगाया आपने? ये भाजपा मुक्त किसान का पुत्र है हम। किस लिए विरोध किया जा रहा है भाजपा को? काले कानूनों का, कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। एमएसपी हमें गाल दी जाए और ये कानून वापस दिया जाए। लगा रहे हैं बीजेपी मुक्त, हमारा घर बीजेपी मुक्त हो गया और हमने ठान लिया चाहे हमें बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं, चाहे वो कोई हमारे घर का सदस्य खुद खड़ा हो, हमें बीजेपी को वोट नहीं देना, ठान लिया। हम किसान हैं और किसान ही रहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अंकित चौधरी। ये जो आप पोस्टर लगा रहे हैं किसने लगा रहे हैं? ये जी किसान आंदोलन के पोस्टर लग रहे हैं। जब हमारे किसान हैं वहाँ बॉर्डर पर पड़े हैं, प्रदेशों से आए हुए किसान हैं वो हमारे, तो जैसे वो किसान हैं हम भी किसान हैं, हम भी किसान के पुत्र हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं सरकार तक, सरकार ये 3 कानूनों को वापसी दे, पूरा एमएसपी पे पूरा रेट दे और हमारा हक हमें। कितने गाँव में ये कार्यक्रम चल रहा है? ये पूरे भारतवर्ष में, जहाँ भी किसान है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ सब जगह कार्यक्रम ये किसानों को चल रहा है।